रमजान की पहली रात कोशिश करके एक सजदा जरूर किया करो, क्योंकि जो इंसान रमजान के चांद को देख के या रमजान की खबर सुन के अल्लाह की दरबार में एक सजदा करता है कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि ये रहमतों भरा महीना तूने मुझे फिर अता फरमाया, और फिर उस सजदे में सूरह फातिहा को पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ मांगता है, तो अल्लाह उसी पल उसकी दुआ कबूल कर देता है। क्योंकि जैसे ही रमजान का चांद आसमान पे जाहिर होता है, रहमतों के फरिश्ते फौरन जमीन की तरफ पलटते हैं, हर उस इंसान की तरफ रुख करते हैं जो इस चांद को देख के खुश होता है, दुआ मांगता है, उसकी झोली अल्लाह की बरकत और रहमत से भर देते हैं। लेकिन जो इस रमजान के चांद को देख के दुआ नहीं मांगता, शुक्र नहीं करता, तो यूं वो फरिश्ते उस इंसान से अपना रुख फेर लेते हैं, और इसी वजह से वो इंसान परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला होता है।